तो है वर्ष गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब खैरियत होगे। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आई नो यार वीडियो काफ़ी लेट हो गई, लेकिन यार वीडियो दासू होगी और इंटरटेनमेंट के साथ होगी और फुल डिटेल के साथ होगी। तो ये जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, ये शायद किसी ने दी होगी, कुछ कुछ डिटेल आपको दे दी होगी, लेकिन मैं इस इवेंट के बारे में, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ गए होगे क्या बोलूँ मैं अभी फिलहाल, तो इसकी मैं फुल डिटेल दूंगा और यार इनका मैं रियल लाइफ में भी थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो को बहुत लास्ट तक देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री फायर में एक इवेंट आने वाला है मनी हिस्ट के बारे में। तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये एक सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स में जाती है ज़्यादातर, पता नहीं कहीं और मिलेगी कि नहीं, वैसे तो नेटफ्लिक्स में ही होती है। तो ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स में मिलती है और इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी मैं आपको पिक्चर अभी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इनके मेन कैरेक्टर्स हैं। तो बेसिकली ये लोग करते क्या है कि यार बैंक में डकैती वगैरह, इनके पूरा स्क्वाड मेम्बर होते हैं जिसमें तकरीबन 7 से 8 लोग होते हैं और वो मिल के चोरी वोरी करते रहते हैं और ज़्यादातर बैंक में डाके डालते रहते हैं। तो इनका एक गाना भी रिलीज़ हुआ था काफ़ी टाइम पहले और बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग था, अभी मैं लगा नहीं सकता वरना कॉपीराइट भी आ जाता है, तुम लोगों को पता है। तो चलो यार इनको मैं आप लोगों को रियल लाइफ में तो मैंने आपको दिखा दिया, और इनके ड्रेसेस में मैं रियल लाइफ में भी दिखाऊंगा और फिर गेम में भी दिखा दूंगा। तो चलो यार अभी इवेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन होने वाली है फ्री फायर की मनी हिस्ट वालों की तरफ से। तो आपने तभी देखा होगा कि जो है एक एक चीज़ जो अभी आने वाला है अपकमिंग स्किन्स में, पेड की स्किन, अवतार, बैनर वगैरह, पता नहीं यार क्या क्या, गाड़ी वाड़ी सब कुछ जो है मनी हिस्ट की आने वाला है, बैकपैक भी और यार क्या क्या जो जो याद आ रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ। तो मतलब सब कुछ जितनी भी गेम में चीज़ें होती है, एक एक चीज़ की स्किन और N94 की स्किन, यार जो जो याद आ रहा है मतलब मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा और यार थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो और बहुत मेहनत लगी यार, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, उनको भी बता दो यार अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। लास्ट टाइम मैंने पता नहीं कितने मंथ पहले बनाई थी, मुझे याद नहीं है, आई थिंक एक मंथ तो हो ही गया है, और उसमें जो मैंने बताया था इवेंट्स के बारे में वो आज मतलब अभी आ रहे, एक हफ्ते पहले आया था एक और इस तरह। तो मैं यार वैसे तो नहीं इतना जो है अपकमिंग अपडेट्स देता, लेकिन यार जब मैं देता हूँ तो बहुत लंबे टाइम तक ये देता हूँ, मतलब काफ़ी टाइम बाद तक। तो यार इसी अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मेरे चैनल पे आप लोगों को ऐसी ऐसी कंटेंट मिलेंगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। मतलब मैं चैनल पे अपने रोस्टिंग भी थोड़ी बहुत हो जाती है, अपकमिंग अपडेट्स, गेम प्ले और साथ में एंजॉयमेंट भी हो जाती है। तो यार अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेट कर देना। तो बहुत लंबा इंट्रो हो गया, तो अभी तो मैंने आप लोगों को इनके समझा दिया कि क्या होता है मनी हिस्ट। तो अब चलते हैं यार इसका गेरिना की तरफ के कोलैबोरेशन क्या क्या होने वाली है और क्या क्या हमारे पास इवेंट में आने वाला है, और ये फ्री में होगा या फिर पैसों में होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। वैसे तो हर चैनल पे आपको वीडियो में ऐसी कपड़े, ऐसी बंडल देखने को मिला होगा कि मनी हिस्ट का ऐसा बंडल, लेकिन यार ऐसा बंडल नहीं है मनी हिस्ट का, बिल्कुल इससे अलग है, बिल्कुल ही नहीं। खैर मार्क्स तो ऐसा ही है, लेकिन ये जो इन्होंने पीछे क्रिमिनल का बंडल लगा दिया ऐसा नहीं है। अगर ये गिरिना वाले यार पागल तो नहीं है कि बिल्कुल ही एक जैसा दे दे, सिर्फ मार्क्स चेंज कर दे, तो ऐसा नहीं है। ये बंडल रियल लाइफ में कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और गेम में इन्होंने दिया वो भी, तो दोनों एक जैसे लगे यार, मुझे कोई डिफरेंट नहीं लगा और मुझे तो बहुत ही धासु लगे। तो मैं आप लोगों को पहले रियल लाइफ में दिखाता, फिर जो है जो गेम में आने वाला है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रियल लाइफ में मनी हिस्ट का बंडल कैसा होता है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बैक से दिखा देता हूँ, गाइस देख सकते हो, कुछ पिक्चर्स में दिखा देता हूँ, वीडियो में दिखा नहीं सकता, और फ्रंट से भी मैं आपको दिखा देता हूँ यार, फ्रंट से ऐसा होगा। तो यार और दूसरा मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इसमें 3 फेसेस होते हैं, रुको मैं ज़रा थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ, ऐसा आपको समझ नहीं आएगा। तो यार इसमें देख सकते हो आप 3 फेस है अलग अलग टाइप के, तो इन्होंने सिर्फ एक ही क्यों दिया मुझे समझ नहीं आ रहा, तीनों औसम है यार, इनको चाहिए था तीनों तरह के वो दे तो तब और भी अच्छा लगता है यार। जैसे क्रिमिनल का इन्होंने दिया था तो कलर वही रहता, लेकिन अगर फेस भी चेंज हो जाए तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लगता। लेकिन छोड़ो यार, मैंने आपको अब रियल लाइफ में तो दिखा दिया कि रियल में ये कैसा होता है सीरीज में नेटफ्लिक्स की, अब मैं आपको इसमें जो है गेम में जो होगा आने वाला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस गेम में हमारा ये बंडल कुछ इस टाइप का होगा, आप देख सकते हो लॉबी में भी कुछ इस टाइप का नजर आएगा। काफ़ी लोग कह रहे हैं यार ये क्रिमिनल की तरह होगा, लेकिन यार ऐसा नहीं है, ये क्रिमिनल की तरह नहीं होगा। मैंने आपको दिखा दिया कि लॉबी में कैसा नज़र आता है और रियल लाइफ में भी, तो कोई चेंजेस मुझे तो नज़र नहीं आया, दोनों एक ही लगे यार और दोनों बेस्ट लगे मुझे। और अभी इस इवेंट की डेट तो फिलहाल कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी हमें ये गेम में देखने को मिलेगा, और यार ये जैसे ही आएगा ये मेरे ख्याल से इवेंट में ही आएगा, कोई अलग अलग में नहीं देंगे। तो ज़्यादातर यही चांसेस थे कि ये इवेंट में आए।
सबसे पहले इसके ग्लू वॉल की बात कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे अपनी वीडियो देख रहे हो, तो गाइस ऐसी ग्लू वॉल हमारे को बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है गेम में, इवेंट के थ्रू भी आ सकती है और यार किसी टॉप अप पे भी। तो उसके बाद बैकपैक आप देख सकते हो यार, दो बैकपैक पे मैं आपको दोनों बैकपैक दिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट लेवल का है, सेकंड थर्ड और अगले बैकपैक के भी सेकंड थर्ड दिखाऊंगा। तो ये जो आप बैकपैक देख सकते हो ये थर्ड सॉरी सेकंड है, ये वाला सेकंड है और फर्स्ट मैंने आपको दिखा दिया, और ये वाला थर्ड है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर पैसा ही पैसा भरा हुआ है डॉलर। और यार मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि डॉलर पर आप लोगों को पता होगा एक इल्लुमिनाटी साइन होता है, वो नहीं है, तो सबसे ज़बरदस्त बात यही है। और जो दूसरा बैकपैक है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दूसरा बैकपैक हमारा कुछ ऐसा होने वाला है जिसका लेवल वन हमने दिखा दिया और लेवल टू कुछ ऐसा है और लेवल थ्री भी यार इसी तरह। ये तो फिलहाल मुझे इतना कोई खास नहीं लगा, लेकिन इससे पहले वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ P90 की स्किन जो डॉलर से भरी हुई है, और आप देख सकते हैं डॉलर से मतलब यार क्या ज़बरदस्त स्किन लग रही है। तो ये हमारे यार डायमंड रॉयल में तो फिलहाल नहीं आएगी, ये मुझे नहीं लगता डायमंड रॉयल में आएगी, तो वो आगे जब आएगी तब देखा जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हो यार एक ये भी है जो सामान फेंकता है, इसका नाम मुझे नहीं पता यार क्या नाम है। तो उसके बाद कुछ और सामान भी आएगा आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पता नहीं क्या यार, ये फिलहाल तो अभी इतना कोई खास नहीं हुआ। तो उसके बाद एयर ड्रॉप का मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा आने वाले टाइम में एयर ड्रॉप कुछ ऐसा होगा या पबजी की थोड़ा सा जो है वो हो रहा है, मतलब जैसे पबजी में एयर ड्रॉप होता था कुछ उस तरह का हो रहा है। तो उसके बाद आप लोगों को पता होगा हम लॉबी में एक चीज़ लगाते थे जिससे लोग आके डायमंड लेते थे, पहले अलग अलग इवेंट में अलग अलग आते रहते थे। तो गाइस अगला जो हमारा आएगा वो ये आएगा, इससे हम आगे डायमंड लेंगे। तो उसके बाद गाड़ी की स्किन है, ये फर्स्ट टाइम गाड़ी की स्किन आई है इस गाड़ी की, और यार पूरी गाड़ी का शेप भी बदल दिया इस स्किन ने, आप देख सकते हो इस गाड़ी की स्किन फर्स्ट टाइम आई है और यार जरूर लूंगा अगर मेरे पास तो आ गई। उसके बाद पेन की स्किन है, पेन की स्किन फर्स्ट टाइम कुछ ऐसी दफा आई है, मतलब ऐसी स्किन फर्स्ट टाइम आई है, वैसे पेन की स्किन ऐसी आती नहीं है, लेकिन जो भी है ऑसम स्किन है। और ये जो यार ये शायद स्प्रे विस्प्रे का सीन है, मुझे फिलहाल इतना कोई खास नहीं है ये पता, लेकिन ज़्यादा लगा स्प्रे का सीन है। और ये हमारा सर्व बोर्ड है जैसे कि आप देख सकते हो अभी गेम प्ले में स्क्रीन पे। तो गाइस ये सबसे रेयर लगी है मुझे जो, और ऑसम है यार, मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने कुछ ऐसे दिए। पहले याद है आप लोगों का फर्स्ट लाइट पास में आया था, फर्स्ट या थर्ड, हाँ आई थिंक थर्ड का था, उसी तरह कुछ लग रहा है, उसमें से आग निकलती थी, इसमें से पैसे निकलते, और यार काफ़ी ऑसम है, मतलब डॉलर निकले जा रहे पीछे, गरीबों को बांटते हुए जा रहे हम डॉलर। तो यार ये हमारा सर्व बोर्ड होने वाला है आने वाले टाइम में, और यार मुझे ज़्यादा लग रहा है ये पूरा एक इवेंट आएगा जिसमें से सब हमें फ्री में मिलेगा। तो यार पता है इतना कुछ खास देंगे अपनी तरफ से तुक्का नहीं मार रहा मैं। और सर्व बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और सर्व बोर्ड है जिसका आप देख सकते हो, ये वाली भी सर्व बोर्ड ओपी है, और पैराशूट है जिस पर लिखा हुआ है LCDP, इसका फुल फॉर्म तो अभी फिलहाल नहीं पता, लेकिन पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये हमारे एक और पांडे की स्किन आ रही है, पेट्स की स्किन की बात कर लेते हैं, और यार ये देखो जरा ये अजीब सी स्किन है, मतलब इसकी पूरी दाढ़ी मूछे क्या क्या बना दी। तो पेट के मुझे इतना नाम याद देंगे, बस स्किन में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या स्किन है। और AN94 की जो स्किन है ये नेक्स्ट डायमंड रॉयल में आ सकती है, नॉट श्योर बट मुझे लग रहा है कि ये नेक्स्ट डायमंड रॉयल होगी। तो अगर हो गई तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि इसकी क्या क्या एबिलिटी है। जब तक ये P90 की मैं आप लोगों को एबिलिटी मैंने आपको नहीं बताई, तो मैं P90 की एबिलिटी मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस अभी जैसे कि आप देख सकते हो P90 की स्किन की एबिलिटी है रेट ऑफ फाइट डबल है, तो ये अभी फिलहाल पता है रेट ऑफ फाइट डबल है और आई थिंक डैमेज एक डबल है, और बाकी क्या माइनस है ये इसकी लैंग्वेज मुझे समझ फिलहाल नहीं आ रही, लेकिन जो जो था मैंने आपको दिखा दी कुछ इस तरह से लगेगी। ये मैंने आपको ज़बरदस्त उसमें दिखाई है, मतलब पिक्चर्स और ऐसी चीज़ें ही मिल रही थी। तो गाइस फुल डॉलर से भरी हुई सी, और मनी ही अगर आप लोगों को देखी होगी तो आपको पता ही होगा उसमें पैसा ही पैसा होता है उस सीरीज़ में। तो गाइस हमारी P90 की स्किन कुछ ऐसी होने वाली है, ज़्यादातर ऐसी स्किन कॉल ऑफ ड्यूटी में देखने को मिलती है, अगर आपने खेला होगा तो आपको पता ही होगा। तो ऐसी स्किन हमारे पास बहुत जल्दी भी ये भी इवेंट में ही आएगी यार, ये मुझे नहीं लगता कि डायमंड रॉयल में आएगी, तो यार शायद डायमंड रॉयल में आ जाएगी या फिर इवेंट में आए, नॉट श्योर। अगर कंफर्म होगा तो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा, अभी इसकी इवेंट की डेट क्या है ये कंफर्म फिलहाल नहीं है, जैसी पता लगेगी वैसी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यार अभी फिलहाल तो इस इवेंट की चीज़ें नहीं ख़त्म हुई है, आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस फ्री फायर की थर्ड एनिवर्सरी स्टार्ट हो गई है, जिसका आप ये क्या यार वाउचर भी देख सकते हो और इवेंट का भी वाउचर देख सकते हो। तो उसके बाद मैं एक और रिव्यू करवा देता हूँ कि यार ये लॉबी में हमारी कैसी लगेगी गेम में। तो गाइस पूरा बंडल यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो, पिछली दफ़ा जो वीडियो दिखाई थी उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा मसला हो रहा था, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हो यार पूरा बंडल किस तरह का हमें दिखने को मिलेगा गेम में। तो यार मुझे तो काफ़ी ऑसम लगा, आपको कैसे लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यार बस आज की वीडियो की सिर्फ इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना मत भूलना, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और यार गेम प्ले में थोड़ा सा हम ध्यान देते थे, यहाँ पर मेरा स्क्वाड बड़ा ही कोई चूतिया किस्म का स्क्वाड आया था, मतलब यार आप गेम प्ले देख सकते हो मुझे सिर्फ अकेले में जाके बंदे मार रहा था और ये लोग सिर्फ पीछे बैठ के आराम कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, इसमें से एक बंदा आया था जो अच्छा खेल रहा था। तो कैसे आप लोग गेम प्ले इंजॉय करो,
मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।